गूंज बढ़ती महंगाई के मुद्दे के साथ गुरुवार को कांग्रेस सड़क पर उतरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में सीटी बजाई और ढोलक पीटकर प्रदर्शन किया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार से जब हमने बात करी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। क्षेत्र की सड़कें हों या तालाब का मुद्दा हो, क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा जी ने किया जनपद का भ्रष्टाचार उजागर। कांग्रेस क्यों रही पीछे, देखें इनका जवाब। जय हिंद साथियों, मैं हूं अल्ताफ खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार जी। आज एक धरना प्रदर्शन किया गया था, हम इनसे मालूम करते हैं कि ये धरना प्रदर्शन काय के लिए और किस विषय पर किया गया था। देखिए अल्ताफ जी, ये सर्वविदित है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। और जब ये चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों के, उस दिन के बाद से क्या हुआ, दिन प्रतिदिन 20-20 पैसे 30-30 पैसे करके डीजल पेट्रोल का और गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया गया। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सरोज ब्लॉक कांग्रेस ने कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने गैस सिलेंडर को माला पहनाई है और सीटियाँ बजाकर, ढोल ढपले मंजीरे बजाकर पहली सरकार के कानों में जन आक्रोश को पहुँचने का कार्य किया है। आप ही बताइए, जब बात रोजगार की होती है, जब कोई बच्चा जॉब मांगता है कि हमें जॉब चाहिए, तो भाजपा नेता क्या बोल देते हैं, छोटू जॉब पे चर्चा मत कर, हिजाब पे चर्चा कर, ये कहना जरिया है। जब देश में रोजगार की बात उठती है, बेरोजगारी की बात उठती है, तो नेता बयान दे देते हैं पकौड़े तलो। अरे आपने तो पकौड़े तलने लायक नहीं छोड़ा, गैस सिलेंडर 1000 के पास हो गया है, उस स्थिति में क्या होगा। हम विपक्ष में हैं और ये महंगाई का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है और हमने आज वही करा, जनता का मुद्दा आपके समक्ष उठाया। आपने गैस सिलेंडर की बात करी 1000 के पार हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना रहता है कि इससे महिलाएं बहुत खुश हैं, इस विषय में क्या कहेंगे आप। पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी आदमी हैं, आप गांव गांव जाइए, आप ये देखिए कि जो सिलेंडर इन्होंने बांटे थे उसमें से कितने सिलेंडर है, कितनी महिलाओं ने भरा है, मतलब कहीं ना कहीं महिलाएं दुखी हैं। सिलेंडर तो इन्होंने दे दिया उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन उस पर गैस भरने का पैसा गरीब आदमी कहाँ से लाए, महिला भी दुखी है। सोन क्षेत्र की बात करते हैं, सोन क्षेत्र में भी कई मुद्दे रहते हैं, जैसे कि रोडों का मुद्दा ले लो या तालाब का मुद्दा भी कई बार उठा, और भी कई छोटे छोटे काम हैं, इसके पीछे क्यों नहीं आती कांग्रेस, क्यों धरना प्रदर्शन नहीं होता इन मुद्दों को लेकर, क्या बात है। आप सभी रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं कि हमने भी हमारे विपक्ष के कार्यकाल में जो सरकार गिरने से पहले बनने के पहले की बात है, हमने भी तालाब को लेकर काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, अतिक्रमण की मांग की है और समय समय पर मुद्दे हमने उठाते आए। हम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो हमारा पहला निर्णय होगा कि जैसे ही ये छोटा मोटा काम निपट जाए, हम सिरोंज में बुद्धिजीवी वर्ग की बैठक कराएंगे और उनसे पूछे जाएंगे कि सिरोंज तालाब में क्या करा जाए और क्या अपने घोटाले हुए उसे कैसे सामने लाएं। अगर जनता इसमें हमें साथ देगी तो निश्चित ही हम इसमें आगे बढ़ने को तैयार हैं। क्या तालाब वाली बात सही है कि इसमें घपले घोटाले हुए हैं। देखिए आप चलाओ का विजुअल बनाओ, सब दिख जाएगा कितना विकास हुआ है, कितना निर्माण कार्य हुआ, किन को फायदा पहुँचाया जा रहा है, कितना नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये सिरोंज तालाब कभी हमारे सिरोंज की शान होती थी, स्वच्छता का संदेश होता था, लेकिन आज वो पूरा उज्जड़ हो चुका है, कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दोष है। सिरोंज में रोडों को लेकर क्या कहेंगे आप, रोडों के बारे में। देखो रोडों की स्थिति तो ये है कि रोड भी डल रहे हैं, जहाँ पे हमारे नेताओं के रिश्तेदारों की जमीन है, सीधी बात है, कभी जीजा जी को लाभ दिलवा के बाईपास दिलवा दिया जाता है, लेकिन उन रोडों का कुछ नहीं होता जहाँ पर कि अभी गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, बरसात के मौसम में उनके वाहन निकल नहीं पाते, जब औरतें और महिला और पुरुष बीमार होते हैं तो वो अपने साधनों से शहर नहीं आ पाते, ऐसे रोड हमारे दिमाग में है और हम उनको लेकर लगातार लक्ष्य मांगते हैं। लेकिन लोग तो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या कारण है। आप आरोप लगा रहे हैं कि रोड इतने नहीं बन रहे और अपने आप रिश्तेदारों रोड बन रहा है, लेकिन आम जनता भी कहीं ना कहीं खुश नजर आती है, चुनाव में अपन देखते हैं चुनाव में हर बार जीत जाती है सरकार, क्या कारण है इसका। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस सवाल का मैं गहराई से जवाब दूंगा, विवेकपूर्ण। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, सत्य बताना है। आपने बोला लोग बहुत खुश हैं, अरे ये वो लोग खुश हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में उनको मलाई खाने को मिल रही है, जिनके पास मध्यान्ह भोजन के ठेके हैं वो लोग खुश है, जिनके पास पोषक पूर्ण आहार के ठेके हैं, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, जो उनका मान बढ़ाते हैं, समय समय पर भरे रहते हैं वो खुश हैं, जिनके परिवारों के सेल्समैन हैं दुकानों में
आज किराने की शासकीय किराने दुकानों में जो लोग सेल्समैन है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से और विधायक साहब से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन भी होता है कभी कभी, लोग सड़कों में निकल जाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा सरकार के ऊपर, कोई जिसे खिलाफ जूनी रुकती अपन कहते हैं जूनी रिंगना, क्या कारण है इतने प्रदर्शन धरने होने के बाद भी इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा महंगाई पर? देखिए, हम तो हमारे मध्यप्रदेश की बात करें, जब विपक्ष में रहकर कमलनाथ जी ने और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और सभी लोगों ने जो धरने प्रदर्शन किए उसके आधार पर ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। मतलब धरने प्रदर्शन का हल निकलता है, जनता के पास मैसेज पहुँचता है। दूसरी बात यह है कि जब वो सरकार इन्होंने गिराई, वो जन धन से सेटिंग करके सौदेबाजी करके वो सरकार गिराई, वो जनादेश का अपमान किया, अब उनके ही डिपार्टमेंट के मंत्री जब करप्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं योजनाओं का क्रियान्वयन सही समय पर नहीं हो पाता। अभी आज का ही अखबार पढ़ो आप, एक बड़े से एक मंत्री का नाम आया जो कभी पहले हमारी कांग्रेस में हुआ करता था, आज वो भाजपा में है, उनके ही कॉलेज से महाव्यापक महाघोटाले के तार जुड़े निकले पाए गए हैं। मतलब करप्शन लगातार जारी है, इस कारण से निर्माण कार्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता कि वो लाभ पहले वो लोग तो ले लें। आपका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए? जी, लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, हम सड़कों पे आएंगे, धरना प्रदर्शन ज्ञापन करेंगे और हम संदेश देंगे कि ये सरकार सिर्फ अपने मतलब के लिए बनती है, उनको जोर जोर से राष्ट्रवाद की बातें करना है लेकिन गरीब की थाली की बात कोई नहीं करेगा। आगे उम्मीद है आपको 2023 में कांग्रेस फिर से आएगी? निश्चित ही, हम अभी गाँव गाँव जा रहे हैं, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग कांग्रेस को पुनः याद कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि यार इनसे अच्छी तो कांग्रेस थी जिन्होंने गरीबों की पेंशन को डबल करा, जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को डबल करा, जिन्होंने गौशालाएं खोली गौ माताओं के, वो बातें सब ध्यान आती है, पर हमारी योजनाओं को पढ़ी तक लगाते हैं के लोग। अब देखिए ना, जैसे कि हमने कन्याओं की शादी के लिए पैसे डबल किए, पिक्चर बजा दिए, वो यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी खा गए, आज भी उन दलालों पर कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने गलत तरीके से अपात्र लोगों को पैसे दिलवाए। एक सवाल है मेरा आपसे, जब जनपद की बात चली है, जो भ्रष्ट अधिकारी थे जिनके विरोध में माननीय उमाकांत जी शर्मा ने एक सवाल उठाया था विधानसभा में और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए और उनको जेल भी कराए यहाँ तक, लेकिन जो छोटे छोटे अधिकारी या छोटे छोटे नेता या छोटे छोटे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं सबका ताज लोग था, उन लोगों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, आपने जो बोला है कि अधिकारी की कार्रवाई हुई, उसने गलत करा उस पर कार्रवाई हुई, उसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन ये हुई क्यों? आज मध्य प्रदेश शासन के अंदर होड़ चल रही है नेताओं की, मंत्रियों की आपस में, इनकी टक्कर चल रही थी गोपाल भार्गव जी से, वो भी क्षेत्र के बुंदेलखंड के नेता है और ये भी नेता है, उनके नंबर ज्यादा है, इनके नंबर कहीं नहीं है, उन्होंने सबसे पहले उनके ही ज्यादा विकेट गिराया, तो ये कार्रवाई जो हुई है वो तो उनकी व्यक्तिगत कोई द्वेष है उस कारण नहीं है। दूसरी बात है, हम अगर विधायक उमाकांत शर्मा जी का स्वागत करेंगे, अगर वो पूरे दलालों पर और अपात्र हितग्राही को एफआईआर कराएं जो कभी नहीं कर पाएंगे, अभी आप सहयोग नहीं करेंगे इनका, अभी आप इनको नहीं मानेंगे कि इन्होंने जो है इतना काम कराया है या एक जनता सहयोग हो उसकी उसकी तेजी सलाह दिलवाई है? बार बार एक ही बात कहने से क्या मतलब है, सीधी बात, उनका व्यक्तिगत मामला था, आपस में बोर्ड चल रही है गोपाल भार्गव जी उनकी, उन्होंने उनके इस्तेमाल विकेट गिरा दिया और हम तो तभी करेंगे, आप कराओ ना कार्रवाई, कौन कौन अपात्र है, बार बार टीम आती है जांच करती है, लोगों का नाम ले जाती है, क्यों दूसरे लोगों का नाम नहीं आ रहा है, क्यों सेक्रेटरी जेल में नहीं जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप भी मामले को ढील दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी पहले कभी क्यों नहीं गई इस मामले को, कांग्रेस पार्टी पहले कभी क्यों नहीं उठाया इस तरह, जब विधायक के सामने आए इतनी तेजी में, जब कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उठाया, उससे पहले क्यों नहीं गए? मैंने पहले भी उठाया, ज्ञापन दिए गए, मेरे पास ज्ञापन है, हमारे जनपद सदस्य हैं, उन्होंने इस करप्शन वाली शादी का, उन्होंने घोटाले का आवेदन जनपद में दिया है, वो तो अधिकारी इनको बचाते हैं, शासन इनको बचाता है, ये काम होता है, कांग्रेस हमेशा इनके खिलाफ आवाज उठाती रही है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे नरेंद्र पांडे साहब जी, समय समय पर इनसे बात होती रहेगी। मेरे सहयोगी अंकिश पटेल के साथ न्यूज इंडिया फोर से, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें ताकि सरोंज की और लटेरी विधानसभा क्षेत्र की पल पल की खबरें आप लोगों को देखने को मिलती रहें। जय हिंद।